नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तेज न्यूज। केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, जिसके बाद बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इसे मोदी सरकार का खड़े अंत बचाया और कहा कि सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने और देश की जनता को ध्यान बांटने के लिए यह वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार अपनी ईमानदारी का सबूत देना चाहती थी तो सर्जिकल स्ट्राइक के समय ही यह वीडियो जारी करना चाहिए था। इस समय क्यों, इस समय यह वीडियो जारी करना सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त बीजेपी सरकार का यह घिनौना राजनीतिक खड़े अंत व हथकंडा है। बीएसपी प्रमुख ने अपने बयान में कहा कि आतंकियों का सफाया करने वाले बहादुर जवानों की देश ने प्रशंसा की और देश हित में इनके किए गए सराहनीय कार्य की पुष्टि के लिए किसी ने भी पीएम मोदी, बीजेपी सरकार और न ही सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत मांगा है। फिर भी यह वीडियो जारी करना अपनी कमियों, नाकामियों को छुपाने और देश की जनता का ध्यान बांटने की साजिश है। मायावती ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही और अपनी कमियों को छिपाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के काफी समय बीत जाने के बाद यह वीडियो जारी किया है। यह बीजेपी सरकार का राजनीतिक खड़यंत्र है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही इस मुद्दे की आड़ में बीजेपी सरकार द्वारा हथकंडा अपनाया गया, उसे देश की जनता काफी अच्छी तरह समझ रही है। आने वाले चुनाव में जनता वादा खिलाफी पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा रचे गए हथकंडों का जवाब जरूर देगी। सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।